नमस्कार, श्रीमती मुहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, आधुनिक जो काव्य है उसके संदर्भ में अंतर्गत हम जो है कवि सुमितानंदन पंत जी की कविता नौका विहार शीर्षक से हम कुछ पद लेकर के आए हैं। उन पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने नौका विहार के जो है दो पद पढ़ चुके हैं। आज हम इनके अगले पदों को लेकर के फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सुमितानंदन पंत जी की कविता नौका विहार, ठीक है? तो प्रसंग में आप इसको लिख ही देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से अवतरित है। तो चलिए पहले पद को पढ़ करके देखते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नब के ओर छोर, विस्पारित विस्पारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नब का अंतस्थल, जिनके लघु द्वीपों को चंचल, अंचल की ओटली किए अविरल, फिरती लहरे लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तेरती परिसी जल में कल, रूप हरे कचो में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कवि सुमितानंदन पंत जी ने जो नौका विहार का भ्रमण है वो किया है, गंगा नदी के तट के आसपास की जो प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन है वो इसमें किया गया है। कवि स्वयं नौका विहार कर रहे हैं, रात्रि के समय नौका भ्रमण कर रहे हैं, तो किस प्रकार से वो गंगा नदी का जो प्राकृतिक परिवेश है उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। तो गंगा नदी के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन तथा कवि के द्वारा नौका विहार का जो आनंद है वो लिया जा रहा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि नौका से उड़ती जल हिलोर, क्योंकि कवि है वो रात्रि के समय अपनी नौका को अपनी नाव को लेकर के चलता है और उस समय जो गंगा नदी के तट की जो लहरें हैं वो किस प्रकार से सुशोभित हो रही है, गंगा नदी, तो नौका से मतलब नाव से उड़ती जल हिलोर माने जल है, जल की जो लहरें हैं हिलोरे मार रही है, जल की लहरें हिलोरे ले रही है यानी हिल रही है, ठीक है? और हिल पड़ते नब के ओर छोर, इसके कारण ऐसा लगता है जैसे आकाश के, नब माने आकाश होता ही आप जानते ही हैं, तो आकाश के ओर छोर यानी किनारे कोने, चारों जो किनारे आकाश के जो किनारे हैं कोने हैं वो सब के सब क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं। विस्पारित का अर्थ जो है इसका अर्थ होता है फैला हुआ या फिर खुला हुआ, ठीक है, खुला। नैनों का अर्थ होता है नेत्रों से, आंखों से। निश्चल मन स्थिर, कुछ खोज रहे चल तारक, चल का अर्थ यहाँ पर चंचल या फिर इसको कह सकते हैं गतिमान। तारक दल का अर्थ होता है तारों का समूह है, तारों का समूह है, तारों का समूह है। और ज्योतित मैंने प्रकाशित, आलोकित, आलोकित या फिर प्रकाशित चमकीला करके, नभ मैने आकाश, अंतस्थल मैने मध्य भाग को, अंतस्थल का अर्थ होता है मध्य भाग को, जिनके लघु दीप, लघु दीप मैने छोटे छोटे, यहाँ पर दीप कौन से हो गए, तारों रूपी जो छोटे दीप हैं, तारों रूपी लघु मैने छोटे दीप, छोटे दिए, दीपक। तो यहाँ पर तारों को क्या माना है प्यारे विद्यार्थियों, दीपक की संज्ञा यहाँ पर दी है, तारों को दिए की तरह। चंचल मैने चंचल है, अंचल मैने अंचल में कि ओट में, आड़ में, ठीक है, आड़ में। अविरल का अर्थ होता है निरंतर, लगातार, निरंतर और लगातार, ठीक है। फिरती लहरें लुक छिपे, लुका छिपी का खेल खेलती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो लहरें बन रही है
टूट रही है, लहरें बन रही है, टूट रही है, वो हर क्षण बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। सामने शुक्र की छवि, शुक्र यहाँ पर तारा है, शुक्र तारा, शुक्र तारे का जो प्रतिबिंब वो पानी में पड़ रहा है, तो उसकी जो झिलमिल, झिलमिल झलमल का अर्थ होता है झिलमिल, या उसकी चमक, या उसका जो प्रतिबिंब वो पानी में हिल रहा है। तैरती परी सी, परी के समान, परी के समान जल में कल, कल का मतलब आकर्षक, जल जल परी के समान आकर्षक या सुंदर, कल का अर्थ हो गया आकर्षक या सुंदर। तो प्यारे विद्यार्थी, भाव समझ में आपको अभी करवाएंगे। परी सी मन परी के समान, जल में कल का अर्थ होता है जल में बड़े आकर्षक, परी के समान लग रही है, तैर रही है। रूप हरे का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, रूप हले चांदी के से रंग की। कच्चों का अर्थ होता है बाल, कच मने बाल, में हो ओझल, ओझल मने छुप करके, अदृश्य गायब, ठीक है, इसको हम कहेंगे गायब या अदृश्य। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी के शशि, यानी लहरों रूपी जो घूंघट है उसमें झुक झुक करके बार बार देखती है, दृष्टिपात करती है। दशमी का शशि निज मने दसवीं के तिथि, दसवीं जो तिथि है, दसवीं तिथि के चंद्रमा, दसवीं तिथि के शशि का अर्थ होता है चंद्रमा प्यारे विद्यार्थियों। तो दसवीं तिथि के चंद्रमा के रूपी जो उसका जो मुख है, ठीक है, गंगा का जो भी है, तो उसमें अपना स्वयं निज का अर्थ होता है स्वयं, तिर्यक का अर्थ मना तिरछा, और मुख मने मुख है, यह मुख है। तो दिखलाता मुग्धा, मुग्धा नायिका के समान, मुग्धा गंगा नदी को एक मुग्धा नायिका की तरह यहाँ अवतरित किया गया है, बताया गया है। तो मुग्धा नायिका के समान रुक रुक करके वो देख रही है, दृष्टिपात कर रही है, ठीक है। तो इसका शब्दार्थ का अर्थ हम ये ले लेंगे। अब इसका अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्थ करता हूँ अब इसका, ठीक है। तो अब इसके अर्थ को हम देखते हैं कि नौका से उड़ती जल हिलोर। तो इसमें जो कवि ने, पंत जी ने जो है नौका विहार का दृश्य से इसमें उद्गृत है, आप लिख देंगे। और इसमें कवि ने जो रात्रि में गंगा नदी में जो नौका विहार किया जा रहा है उसका परिवेश का वर्णन इसमें किया गया है। रात्रि के समय गंगा में वो नौका विहार करते हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो कवि पंत जी, सुमेधानंद पंत जी कह रहे हैं कि जब वो मेरी जो नाव चल रही थी पानी में, जो है रात्रि के समय जो है नौका, गंगा में नौका विहार कर रहे थे, और उस समय नौका से उठती जल हिलोर, नौका जब चल रही थी तो पानी की लहरें भी उठ रही थी, अर्थात जब नौका चल रही थी तो पानी की लहरें हैं वो हिलोरे मार रही थी, और हिल पड़ते नभ के ओर छोर, इसके कारण ऐसा लगता था कि जैसे आकाश में जो आकाश है वो आकाश के सारे किनारे हैं, चारों ओर छोर है, किनारे हैं, कोने हैं, वो सब के सब हिलते हुए से प्रतीत हो रहे थे। क्योंकि जब इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब नौका पानी में चलती है तो पानी की लहरों के कारण नौका भी हिलती है, और नौका में बैठे हुए जो कवि हैं वो भी हिल रहे हैं, तो उनको आकाश भी कैसा दिख रहा है, हिलता हुआ सा दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं कि नौका से उड़ती जल हिलोर, जब नौका चल रही थी तो इसके कारण से जल में हिलोरें उठ रही थी, लहरें उठ रही थी, इसके कारण पूरा आकाश है वो, आकाश के जो ओर छोर किनारे हैं वो सब के सब हिलते हुए से महसूस हो रहे थे। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल, इस कारण जो है रात्रि में आकाश में जो तारों का समूह है, जो जो चंचल, तो चल का अर्थ होता चंचल, चंचल जो गतिमान तारों का जो समूह है वो अपने खुली हुई आंखों से, विस्फारित मने अपनी खुली हुई, खुले हुए नेत्रों से निश्चल स्थिर कुछ खोजते हुए से दिखाई दे रहे हैं, यानी आकाश में जो है तारे हैं वो चमचमा रहे हैं, तो उनको चमकते हुए तारों को कवि ने क्या उपमित किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे जो चंचल गतिमान जो तारे हैं वो अपनी खुली हुई आंखों से, फैली हुई आंखों से कुछ खोज रहे हैं, ठीक है। तो कुछ विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे हैं तारक दल, तारों का समूह कुछ खोज रहा है, ऐसे कुछ तलाश कर रहा है, इस प्रकार से ऐसा लगता है उसके चमचमाती आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी खुले हुए नेत्रों से कुछ खोज रहा है। जैसे हम किसी चीज को खोजते हैं तो अपनी आंखों को बड़े ही खोल करके देखते हैं, विस्फारित करके देखते हैं।
ताकि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो ठीक इसी प्रकार से उम्मीद किया गया है कि तारों का समूह है वो कुछ खोजते अपनी फैली हुई आंखों से कुछ खोजता हुआ सा प्रतीत होता है। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और इस प्रकार से तारे हैं वो अपने पूरे आकाश के मध्य भाग को, नभ का अंतस्थल मैंने आकाश के मध्य भाग को प्रकाशित करता है, आलोकित कर रहे हैं। यानी तारों का जो समूह है वो आकाश के मध्य भाग को क्या कर रहा है, ज्योतित यानी आलोकित या प्रकाशित कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। इन पंक्तियों का अर्थ, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल ओट अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरे लुक छिप पल पल। यानी जो तारे हैं उन तारों का जो प्रतिबिंब है वो पानी में पड़ रहा है, ठीक है, गंगा नदी के पानी में उन तारों का जो प्रतिबिंब वो पड़ रहा है। तो उनको देख करके कवि कह रहे हैं कैसा लगता है, जैसे जिनके लघु दीपों का यानी जो तारों का जो समूह का जो प्रतिबिंब है वो पानी में गिर रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे छोटे तारे रूपी जो छोटे दीपक है वो अपनी चंचल गतिमान जो अंचल की ओट में किए हुए निरंतर है वो अपनी जो उड़ती हुई लहरें लुक छिप का अर्थ होता है जो लहरें बन रही है टूट रही है लुक छिपी खेल रही है। तो इस प्रकार से लुक छिप करके या टूटती हुई जो लहरें हैं वो इस प्रकार से पल पल क्षण क्षण है वो परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया, यानी तारों रूपी जो छोटे जो दीपक है वो अपनी चंचल अंचल की ओट लिए हुए निरंतर है वो बनती हुई टूटती हुई लहरों की ओट में पल पल है वो परिवर्तित हो रहे हैं या लुका छिपी का खेल है वो खेल रहे हैं। सामने शुक्र की छवि जलमल तैरती परिसी जल में कल, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि सामने ही आकाश में सामने जो है शुक्र तारा चमक रहा है और उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है। शुक्र तारे का जो है प्रतिबिंब किस में पड़ रहा है, पानी में, गंगा नदी के पानी में पड़ रहा है। तो इस प्रकार से लग रहा है सामने शुक्र की छवि जलमल तैरती परिसी जल में कल, यानी सामने आकाश में शुक्र की जो छवि है शुक्र की जो शोभा है जो प्रतिबिंब या चमकता हुआ शुक्र तारा पानी में गंगा नदी के पानी में इस प्रकार से झिलमिला रहा है जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई परी के बड़ी आकर्षक सुंदर परी के समान है वो झिलमिला करके तैर रही हो। इस प्रकार से यहाँ पर शुक्र तारा की बात है वो बताई है, ठीक है ना। तो शुक्र तारा का प्रतिबिंब पानी में गिर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी सुंदर आकर्षक परी है वो पानी में तैर रही है। और उस रूप अरे कचो में हो ओ जल लहरों के घुंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और वो जो तारों की जो छवि प्रतिबिंब जो पानी में गिर रहा है जो परी के समान शुक्र तारा की छवि लग रही है और वह जो तारे की जो छवि है वो इस प्रकार से अपने अपने रूपहले बालों से अपने आप को ओझल कर रही है। रूपहले यानी रूपहले चांदी के समान सा उनके जो बाल हैं वो पानी में चमक रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है। यानी जो शुक्र तारा का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है सफ़ेद रंग का तारा है और उसका जो उज्ज्वल सफ़ेद रंग की जो छवि है वो पानी में गिर करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई रूपहले बालों की में ओझल है वो हो रही है, कोई नायिका है वो अपने रूपहले कचों में यानी बालों में वो ओझले हो रही है, गायब हो रही है, अदृश्य हो रही है। लहरों के घुंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और उस समय जो वो जो नायिका है, ठीक है, यहाँ पर गंगा नदी को एक नायिका की तरह बताया है या उन तारों को नायिका की तरह प्रतिबिंबित किया गया है कि इस प्रकार से लग रहा है जैसे कोई वह लहरों के घुंघट से झुक झुक करके जो पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है तो इस प्रकार से लग रहा है जैसे लहरों के घुंघट से वो झुक झुक करके जैसे दसवीं तिथि का जो चंद्रमा होता है उसकी जो तिरछा जो उसका मुख किए हुए अपना तिरछा मुख किए हुए कोई मुग्धा नायिका के समान रुक रुक करके दृष्टिपात है वो लगातार कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है नायिका की तरह रूप बताया है क्योंकि आकाश में जो तारों का या चंद्रमा के समान उसका जो मुख रूप बताया है इसमें तो जो प्रतिबिंब पानी में गिर रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई दसवीं तिथि का कोई चंद्रमा रूपी जो मुख है वो तिरछा करके और अपनी लहरों के घूंघट में बार बार झुक झुक करके एक मुग्धा नायिका के समान है वो दृष्टिपात कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव इसमें दिया गया है, प्रकट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो जो रात्रि रूपी जो नायिका है वो अपने जो रूप हरे बालों को अपने चेहरे से ओझल कर रही है और लहरों का घूंघट है वो धारण कर रखा है और अपने जो दशमी के चंद्रमा रूपी जो मुख है उसको कुछ तिरछा करके इस प्रकार से देख रही है, दृष्टिपात कर रही है जैसे कोई मुग्धा नायिका है
वो अपने जो है मुग्धा नायिका है वो रुक रुक करके जो है दृष्टिपात है वो कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुग्धा नायिका के समान रात्रि रूपी नायिका को बताया गया है। ठीक है, तो ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और या इसको हम यूँ कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि रात्रि में गंगा का जो प्रवाह है और उसमें चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो पानी में कुछ तिरछा तिरछा सा पड़ रहा है। पानी में गंगा नदी के तट में किनारे जो पानी है उसमें प्रतिबिंबित जब होता है तो ऐसे तिरछा तिरछा सा प्रकटे हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे चांद की आकृति जो तिरछी पड़ने से दसवीं के चांद की आकृति की तरह लग रही है। और उसी प्रकार से मुग्धा जो नायिका है उसका भी वो अपनी टेढ़ा मुख करके अपने प्रियतम को देख रही है, अपने टेढ़ा मुख करके जो दृष्टिपात है वो कर रही है। तो इस प्रकार का भाव इसमें प्रकट हुआ है। विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना कि रात्रि के प्राकृतिक वातावरण का जो है छायावादी शैली में जो है चित्रण है वो किया गया है। रात्रि का जो वर्णन है वो छायावादी शैली में इसमें वर्णन है वो किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो अलंकार में जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा की प्राप्ति हो रही है, साथ ही साथ आपके मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। प्रकृति को मानव की तरह कार्य करता हुआ दिखाया गया है। तो ये अलंकार हो गए। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे। अब अगला जो है पद हम लेते हैं। अब पहुंचती चपलता बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर तारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज तट पर विटल माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नब नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह सो, छाया की कोकी को विलोक, छाया की कोकी को विलोक। इसमें भी बहुत सुंदर वर्णन है वो किया है पंत जी ने, कवि सुमितानंद पंत जी। यहाँ पर रात्रि में जो गंगा का प्राकृतिक परिवेश है उसका वर्णन किया गया है, साथ ही साथ नौका विहार का दृश्य भी इसमें दिखाया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या अब करके हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो नौका विहार करते हुए प्राकृतिक परिवेश का चित्रण करते हुए कवि सुमितानंद पंत जी कहते हैं कि अब पहुंची क्षमा करना, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों पहुंची है, लिखने में त्रुटि हुई है। अब पहुंची चपलता बीच धार, चपलता माने जो चंचल है, जो नाव है वो अब कहाँ पहुंच गई है। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, कगार माने किनारा, धार माने धारा, चपला माने चंचल, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों में दूरस्त माने दूर होते हुए, तीर माने किनारा तट, धारा का कृष, कृष माने पतला कोमल शरीर, आलिंगन माने गले मिलना, करने को अधीर मन उत्सुक, अति दूर मन अत्यधिक बहुत दूर, क्षितिज पर जहाँ धरती और आकाश मिले हुए से प्रतीत होते हुए वो क्षितिज होता है, तट मने किनारे पर, विटल विटप विटप माल, विटप माल का अर्थ होता है पेड़ों की कतार माला, ठीक है ना, माल का अर्थ वैसे माला होता तो यहाँ पर कतार के लिए आ गया, पंक्ति के लिए अर्थ आ गया है। लगती भ्रू, भ्रू मने भूमि, रेखा सी मने लकीर की जैसी, लकीर के समान, अराल का अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी, अराल मने टेढ़ी मेढ़ी प्यारे विद्यार्थियों, एपलक मने एक टक लगातार, नभ मने आकाश होता ही आप जानते हैं, और नील मने नीले, नयन मने नेत्र हो गए, विशाल मने बड़े बड़े, माँ के उर उर मने हृदय या छाती से, शिशु सा अबोध शिशु बालक,
अबोध शिशु बालक समीप मनपास ही सोया हुआ है। धारा में एक दीप है जो ऐसे उठा हुआ है। चारों ओर गंगा नदी है। गंगा नदी के बीच में एक सूखा भाग है, स्थल भाग है, वो दीप है। और उर्मिल का अर्थ होता है लहरें, तरंगे, ठीक है, लहरें या तरंगे। प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों विपरीत, उल्टा। अलंकार होता है ना प्रतीप अलंकार, विपरीत हो गया। वह कौन वियग, वियग का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों पक्षी। क्या विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। और कोक मन होता है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी। उड़ता, हरने को, हरण करने को, दूर करने को, दूर करने को। निज मने अपने। और विरह, शोक मने विरह की वेदना, शोक, विरह की व्याकुलता, बेचैनी जो है। और छाया की कोकी, कोकी का अर्थ होता है चकवा, चकवी, क्षमा करना, कोकी का मतलब जो है चकवी। विलोक मने देख करके। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम लेते हैं कि जैसे ही कवि की जो नाव है वो गंगा नदी की बीच धारा में पहुंची, तो उस समय देखो कैसा महसूस हो रहा है कि अब पहुंची चपला बीच धार। चपला यहाँ पर चंचल नाव के लिए कहा है, ठीक है। वो छोटी जो चंचल नाव है वो नाव अब है गंगा नदी की धारा के बीच में पहुंच गई है। छिप गया चांदनी का गगार। और अब देखते हैं तो जो चारों ओर उभरा हुआ जो चांदनी का जो किनारा था वो अब धीरे धीरे अदृश्य होने लगा है। यानी गंगा नदी का जो किनारे, किनारे से काफ़ी दूर तक वो आ गए हैं, बीच में आ गए हैं, ठीक है। तो अब किनारे धीरे धीरे पीछे छूट गए हैं। तो वो जो छिप गया चांदनी का गगार, अब ऐसा लगता है वो चांदनी का जो किनारा था, उभरा हुआ जो किनारा था, वो अब धीरे धीरे अदृश्य हो गया, छिप गया है, गायब हो गया है, ठीक है। जो नाव है काफ़ी दूर किनारे पर, जैसे मान लीजिए किनारा है, उससे इतनी दूर काफ़ी बीच में आ गई है। तो इस प्रकार से यहाँ जो चांदनी पड़ रही थी वो किनारा अब अदृश्य हो गया है। और दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर। और उस समय जो गंगा नदी का जो कोमल शरीर है वो इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे जो पतली जो गंगा की जो धारा है, पतली धारा का कृष्ण कोमल शरीर। यानी यहाँ पर गंगा की जो धारा को कोमल और पतले शरीर की तरह उपमित किया गया है। तो गंगा नदी की जो नायिका रूपी, जो गंगा रूपी जो नायिका है, नदी रूपी जो नायिका है, उसका कोमल और पतला जो शरीर है वो धारा के रूप में जो है लग रहा है, प्रतीत होता है। और उसके जो दो किनारे हैं जो दूर तक, दूरस्थ मैंने जो दूर तक दो किनारे हैं गंगा नदी के, दो किनारे हैं, जैसे एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया। तो दो जो गंगा नदी के जो दूर दूर दो किनारे हैं वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो बाएँ हो, दो भुजाएँ हो, दो भुजाओं रूपी जो तीर हैं, किनारे हैं, वो जो है प्रतीत हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा लग रहा है कि गंगा की नदी रूपी जो शरीर की कोमल जो धारा रूपी जो शरीर है, उस धारा में जो दो, ये तो शरीर तो हो गई धारा, और उसकी जो किनारे हैं वो उसकी दो भुजाएं हो गई है, बाहें हो गई है। और इस प्रकार से लग रही है कि आलिंगन करने को अधीर, यानी ये जो दो किनारे रूपी जो बाएँ हैं, भुजाएँ हैं, वो आलिंगन करने को अधीर हो रही है, अर्थात गले मिलने के लिए अधीर हो रही है, उत्सुक हो रही है। अति दूर क्षितिज तट पर विटप माल लगती भूर रेखा अराल। अराल मन टेढ़ी रेखा सी मन लकीर की, विटप माल मन पेड़ों की जो कतारें हैं, और क्षितिज मन दूर तक। अब दूर बीच में आ गया है कवि, यानी जो कवि की नाव बीच में आ गए, तो दूर किनारे दूर हो गए हैं। तो उन दूर किनारों के ऊपर जो पेड़ पौधों की जो लगे हुए हैं पेड़, तो उनके जो किनारे पर लगे हुए पेड़ हैं वो इस प्रकार से प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इस प्रकार से लग रहे हैं कि जैसे कोई टेढ़े मेढ़े पेड़ों की जो अति दूर क्षितिज तट पर, यानी दूर क्षितिज के ऊपर, बहुत दूर क्षितिज के ऊपर पेड़ों की जो कतार या मालाएं, इस प्रकार से लग रही है। लगती भ्रू रेखा सी, यानी भूमि के ऊपर लकीर, टेढ़ी मेढ़ी लकीर के समान लग रही है। यानी ये जो पेड़ों की कतार है वो ऐसा लगता है बहुत दूर पेड़ों की कतार है, वो इस प्रकार से लग रही है क्षितिज पर, जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी लकीर है वो प्रतीत हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पेड़ों की कतार क्षितिज पर, भूमि पर
टेढ़ी-मेढ़ी लकीर के समान प्रतीत हो रही है। ऐ पलक नब नील नयन विशाल, और जो आकाश खुला आकाश है, नीला आकाश, वो नीला खुला आकाश है, वो एक टक इस प्रकार से देख रहा है जैसे कोई उसके विशाल नेत्र हो। विशाल जो नेत्र है उससे आकाश है उसको देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आकाश को, नीले आकाश को जो है विशाल नेत्र के समान प्रतिबिंबित किया गया है। नीले आकाश को विशाल नेत्र के समान प्रतिबिंबित किया गया है, तो वो विशाल नेत्र से जैसे इनको देख रहा है, पलक देख रहा है। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप, वहाँ पास ही गंगा नदी के तट पर जो थोड़ी दूर बीच में जो है एक दीप है, यानी कि उभरा हुआ भाग है, स्थल भाग है, और वो एक दीप है। वो इस प्रकार से लग रहा है जैसे माँ के उर पर शिशु सा, अर्थात जैसे माँ के हृदय से, छाती से चिपक कर जैसे अबोध शिशु सोता है, निश्चल होकर के, निश्चिंत होकर के सोता है, ठीक उसी प्रकार से उस गंगा नदी की धारा में एक दीप है, वो उसके बीच में सोया हुआ लग रहा है, निश्चित सोया हुआ लग रहा है, ठीक है ना। तो दीप को एक शिशु के समान यहाँ पर बताया है, जैसे वह बालक अपने माँ के हृदय के पास छाती से चिपक करके सोता है, ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर एक दीप है, वो गंगा नदी के तट पर सोया हुआ लग रहा है, और उसकी उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीब, और वो गंगा नदी की जो तरंगे हैं उन लहरों को, वो जो उभरा हुआ भाग है दीप का, तो उससे वो धाराएं टकरा करके पुनः चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो धकेलता है, वो दीप है, वो गंगा नदी की धाराओं को अपने किनारे तक आने देता है और उसके बाद में वो धकेलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है कि उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत, वो जो दीप है वो गंगा नदी के धारा लहरों के प्रवाह को उल्टा करता है, अर्थात विपरीत कर देता है। कहने का तात्पर्य जैसे गंगा की लहरें उस दीप तक आती है, तो दीप है वो उसमें बाधा आ जाती है, तो वो उसकी धाराएँ पुनः वो जो दूर वो भेज देता, उल्टा भेज देता, विपरीत भेज देता है। वह कौन विहग, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह इस गंगा नदी के तट पर एक पक्षी है, वह कौन है जो पक्षी निरंतर उड़ रहा है, ठीक है। वह कौन विहग, क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, कि एक पक्षी है वो उड़ रहा है गंगा नदी के तट के आसपास, क्या वह अपने निज मैंने अपने विरह की व्याकुलता को हरने के लिए उड़ रहा है, कि फिर प्रश्न का उत्तर है वो स्वयं कवि दे रहा है कि क्या विकल कोक, क्या वह व्याकुल चकुआ पक्षी है जो अपनी चकवी से बिछुड़ने के बाद में उसको ढूंढने के लिए निरंतर इधर से उधर उड़ रहा है। तो एक प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी स्वयं ही कवि दे रहा है। तो क्या वह एक ऐसा पक्षी है जो अपनी विरह की व्याकुलता को, विरह के दुख को दूर करने के लिए निरंतर उड़ रहा है, क्या वह चकुआ पक्षी है जो अपनी चकवी से बिछुड़ करके इधर उधर उड़ रहा है। छाया की कोकी को विलोक, विलोक मैंने देख करके, कोकी मैंने चकवी, यानी वह इस अंधकार में उस रात्रि में चकवी की, एक तरह से चकवी की छाया को मान करके, चकवी की छाया के भ्रम में इधर से उधर निरंतर उड़े रहा है, और अपनी व्याकुलता को जो है, व्याकुलता के कारण इधर से उधर उड़ रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर मेरी जो प्रियतमा चकवी है वो है, तो उसकी अंधकार की छाया में वह चकवी की छाया को देख लेता है, या ऐसा समझता है कि यही चकवी है, तो इस छाया को देख करके वह निरंतर इधर से उधर गंगा नदी के तट पर उड़ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यह भाव आपको समझ में आ गया होगा, और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, जो है कि रात्रि में पेड़ पौधे, नदी तट, चकुआ पक्षी आदि की जो दृश्य बिंब है वो बड़ा आकर्षक यहाँ पर प्रतीत हुआ है। रात्रि के समय गंगा नदी का जो तट दिखाया गया है, पेड़ों की कतार वो जो दिखाई गई है, आकाश को विशाल नेत्र के समान, दीप के समान बताया है, चकुआ पक्षी का जो भाव व्यक्त हुआ है, तो बड़ा दृश्य बिंब यहाँ पर बड़ा आकर्षक जो प्रतीत हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, साथ ही साथ शिशु का समीप सोया हुआ, तो इस भाव में यहाँ पर शिशु सा समीप सोया हुआ, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये पंक्ति लिख करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है, ठीक है, और आपके उपमा अलंकार है, ठीक है, और मानवीकरण अलंकार भी है। तो इस प्रकार से अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार की भी प्राप्ति इसमें हो रही है, रूपक और उत्प्रेक्षा, और तत्सम शब्दावली से, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, छायावादी शैली का शानदार प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। आशा करता हूँ दोनों पद प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गए होंगे, सुमितानंदन पंत जी के।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे सुमिता नंदन पंत जी के, और जो कविता है उनकी एक कविता परिवर्तन कविता नाम से हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन हिंदी की व्याख्याओं को ठीक से प्यारे विद्यार्थियों नोट्स बनाइए, चैनल जो है आप याद करिए इनको। ठीक है, तो इनको नोट्स बना करके याद कीजिए, व्याख्याओं को ठीक से आत्मसात कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।